हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने गया है, क्योंकि इसलिए आज का ब्लॉग जो है वो मैं बना रहा हूँ बाइकिया के ऊपर। बाइकिया जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जो है वो सस्ती और अच्छी सवारी है, जिसके ऊपर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमाई भी कर रहे हैं और काम भी करते हैं इसके ऊपर। गरीब लोगों के लिए एक अच्छी आसानी हो जाती है, सस्ते के अंदर जो है अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, और जो है वो जो मंजिल पर पहुँचाता है राइडर, उसको भी फ़ायदा हो जाता है कि उसकी डेली बेसिस पर अर्निंग हो जाती है। तो अभी मेरे ख्याल में शायद आपको थोड़ी आवाज़ हल्की आ रही होगी, तो मैं हेलमेट उतार देता हूँ। और आपको बताने का मकसद ये था कि मैं बाइकिया के ऊपर आज का पूरा ब्लॉग बनाने वाला हूँ, कि बाइकिया किस तरीके से जो है वो बाइकिया के ऊपर लोग जो है अर्निंग करते हैं और बाइकिया पे किस तरह सवारी ली जाती है, सब तमाम डिटेल आपको अभी इसी ब्लॉग के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अब ये हेलमेट उतार देता हूँ ताकि आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल सही सुनाई दे और ताकि आपको मज़ा आए मेरी आवाज़ के लिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि एक बाइकिया के ऊपर एक बंदा काम करके दिन भर के अंदर 10 ड्राइव लगाकर जो है वो कितने पैसे कमाता है और उसका कितने फ्यूल चार्जेस लगता है और क्या पूरे दिन के अंदर उसकी एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद बाइकिया आज मैंने स्टार्ट करी है और मैं पूरा दिन चेक कर रहा हूँ कि बाइकिया पे मुझे कितना फ़ायदा होता है, ठीक है, और क्या अर्निंग होती है। लोग जो कह रहे हैं कि इस बाइकिया के ऊपर लोग हज़ारों रुपये रोज़ के कमाते हैं, तो मैं खुद भी ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि हज़ारों रुपये की अर्निंग होती है या नहीं होती। ठीक है, अभी मैं जो है वो एक ड्राइव के ऊपर जाऊँगा और सारा दिन की आपको ड्राइव चेक कराऊँगा कि कितने कमाते हैं और क्या एक्टिविटी होती है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कल जब मैंने बाइकें चलाई थी तो मैंने पूरे दिन में जो है वो 10 राउंड लगाए थे और 10 ड्राइव उठाकर मैंने पूरे दिन के अंदर तकरीबन 1300 रुपये कमाए थे, जिसके अंदर मेरा जो फ्यूल चार्जेस खर्च हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये खर्च हुआ था। अब 400 रुपये फ्यूल चार्जेस लगा लो और इसके अलावा जो है वो मेरा पूरे दिन के अंदर 2 जगहों पर मैंने चाय पी, ठीक है, और कुछ थोड़ी और मजीद एक्टिविटी करी, तो वो टोटल मेरा जो खर्चा हुआ था वो 600 रुपये का खर्च हुआ था। और 1300 रुपये कमाकर सारे दिन में 10 ड्राइव कर मैं तकरीबन 7 घंटे मैंने काम किया और 7 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अल्लाह के सामने 1300 रुपये की मैंने अर्निंग करी। तो तमाम दोस्तों से, अपने तमाम व्यूवर से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के पास नौकरी करने से बेहतर है अगर आपके पास बाइक है, अच्छी ऐसी बाइक हो कि बस वो रनिंग वाली हो, कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब सस्ता बन जाए, तो 20-22 हज़ार रुपये की एक बाइक लेकर अपना रोज़गार कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, 10 ड्राइव करेंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कम से कम 1300-1400-1500 रुपये आप आराम से सुकून से कमा सकते हैं और आपके खर्चा भी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा में ज़्यादा 600-700 रुपये का फ्यूल चार्जेस वगैरह लगा लो या ऊपर के एक्सपेंसेस वगैरह लगा लो, तो टोटल यही खर्चा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आप ज़रूर बाइकिया के ऊपर काम करें और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ड्राइव भी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह की ड्राइव ली और किस तरह की जो मेरे फ्यूल चार्ज मिले। वैसे अमूमन तौर पे हर एक ड्राइव जो है वो तकरीबन 100-150 रुपये की आराम से लग जाती है और 10-12 ड्राइव आप कर लोगे तो 1000-1200 रुपये तो वैसे ही बन जाते हैं। और किलोमीटर का हिसाब किताब जो है वो इस वक्त जो है वो फ्यूल चार्जेस महंगी हुई है, तो किलोमीटर का जो हिसाब किताब चल रहा है वो ऐसा चल रहा होता है कि आप ये समझ लें कि अगर आप 3 किलोमीटर के फासले पर जा रहे हैं तो आपको तकरीबन 100 रुपये की एक ड्राइव मिल जाती है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के फासले पर 100 रुपये की ड्राइव मिल जाती है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लो अगर सारे दिन के अंदर आपने 10 ड्राइव करी तो आपके तकरीबन 60-70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की आपने जो है वो रनिंग करी, और 80 किलोमीटर की रनिंग के ऊपर आपको आराम से जो है वो 1200-1300-1500 रुपये आपको अर्निंग हो गई, तो इससे अच्छा क्या बेनिफिट होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आपका बाइक जो है अच्छी मेंटेनेंस हुई हुई है तो आपकी बाइक के ऊपर जो है वो 50 किलोमीटर 1 लीटर में आराम से चलती है। यार आप 50 ही लगाओ, आप एक काम करो 40 लीटर लगा लो, 40 किलोमीटर लगा लो, 1 लीटर में 40 किलोमीटर लगा लो, तो आपके आसानी के साथ पूरे दिन के अंदर ज़्यादा में ज़्यादा 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल के अंदर आप पूरे दिन में 1000-1500 रुपये आराम से सुकून से कमा सकते हो और किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आसानी के साथ आपकी अच्छी अर्निंग भी बन जाएगी। तो आज का ब्लॉग, अभी मैं ये फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं बैक कैमरे से आपको 2-3 जगहों की अपनी लोकेशन दिखाऊंगा, जिन जगहों पे मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ मैंने जो है वो आज पूरे दिन में ड्राइव करी है, और मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दिन की ड्राइव में मेरे को कितनी अर्निंग हुई। वैसे मैं आपको बता दूँ, कल का शेड्यूल के मुताबिक कल जो मैंने पूरा दिन में काम किया उसके अंदर मैंने आसानी के साथ 1300 रुपये 10 ड्राइव लगाकर कमा लिए थे। 10 नहीं 9 ड्राइव करी थी और 9 ड्राइव के अंदर 1300 रुपये मैंने कमा लिए थे और मेरे टोटल जो खर्च हुए थे वो सिर्फ 600 रुपये हुए थे। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू शुरू करते हैं और डेली बेसिस पे मैं इस तरह के ब्लॉग बनाते रहता हूँ, नई नई जगहों के, नई नई लोकेशन के, अलग अलग जगहों के। खास तौर पे मेरे चैनल पे फूड ब्लॉग, ट्रेवलिंग ब्लॉग आते रहते हैं, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको डेली बेसिस पर मिलते रहें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ओके,